किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें तो उन्हें समझाना छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। कहानी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर हर राह पे देखेंगे कि लोग हमेशा आप जो भी कदम उठाएंगे ना उसका बुरा ही कहेंगे, बुरा ही बोलेंगे। आपको नीचे दिखाने के लिए, आपको नीचे करने के लिए कितने भी बुरे से बुरा काम कर सकते हैं। तो ये कहानी है एक स्कूल की। एक शरारत के दौरान एक छात्र ने अपने सहपाठी की पीठ पर एक कागज चिपका दिया जिसमें लिखा था, मैं बेवकूफ हूं। उसने बाकी छात्रों से कहा कि वे लड़के को इस बारे में ना बताएं। इस तरह बाकी छात्र दिन भर उस लड़के पे हंस रहे थे। कुछ ही देर बाद गणित की जो कक्षा थी वो शुरू हुई और उनके शिक्षक ने बोर्ड पर एक कठिन प्रश्न लिखा। इसका जवाब लेबल वाले लड़के के अलावा कोई नहीं दे पा रहा था। वो बोर्ड की ओर गया, उसने उस प्रश्न को हल कर दिया और वो इस बात से अनजान था किस लेवल के चिपके होने के कारण बाकी छात्र उसकी ओर देखकर मन ही मन हंस रहे थे। अब शिक्षक ने बच्चों से उसके लिए ताली बजाने को कहा और उसकी पीठ पर लगे उस कागज के लेबल को हटा दिया जिसके बारे में वो लड़का भी नहीं जानता था। तब शिक्षक ने बच्चों से कहा, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को अपनी पीठ पे चिपके लेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो कि तुम सब में से किसी एक ने उस पर लगाया है और बाकी सब ने इसे उससे छिपाया है। फिर शिक्षक ने बच्चों की ओर मुंह करके कहा, इससे पहले कि मैं तुम सबको सजा दूं, मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आपके पूरे जीवन में लोग आपकी पीठ पर आपकी प्रगति को रोकने के लिए कई बुरी चीजों के लेबल लगाएंगे। अगर उस लड़के को लेबल के बारे में पता होता तो वो बेचारा घबराहट में सवाल का जवाब देने के लिए नहीं उठता। तो आपको भी जीवन में बस इतना करना है कि जब लोग आपको लेबल देते हैं तो आप उसे अनदेखा करें और अपनी प्रगति सीखने और खुद को बेहतर बनाने के हर मौके का उपयोग करें। दूसरा ये है कि ये स्पष्ट है कि आप सभी के बीच उसका कोई वफादार दोस्त नहीं है जो उस लेबल को हटाने के बारे में उसे पता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं, बस आपके और आपके दोस्तों के बीच जो निष्ठा है वही महत्व रखती है। यदि आपके पास ऐसे मित्र नहीं हैं जो आपके पीछे आपकी रक्षा कर सकें, आपकी देखभाल कर सकें, तो वास्तव में आपकी परवाह करते हों तो आप अकेले ही बेहतर हैं। बुराई करने वाले व्यक्ति के लिए वह शब्द जो उसने दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कहे हैं, वह शब्द उसे जीवन भर कचोटते रहेंगे। अतः लोगों पर दोष कभी ना लगाएं जो तुम्हें ही जीवन भर परेशान करते रहे, जबकि इससे आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो याद रखिए, जब भी कोई आपकी बुराई करे, आपको नीचा दिखाए, ऐसे लोगों के प्रति जागरूक होकर उनकी बातों को दिल में लगाने के बजाय उनसे दूरी बना लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। और जीवन के में कोई ऐसा मित्र जरूर बनाएं जो आपकी परेशानी में, आपकी तकलीफ में आपके साथ जरूर खड़ा हो।